साथियों, 1757 में जब अंग्रेज़ों का बंगाल के ऊपर कब्ज़ा हो गया था और 1947 तक जितने भी छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं उनकी एक मैं विस्तृत सीरीज़ आपके सामने लाने वाला हूं, जिसकी शुरुआत मैं 1857 की क्रांति से इस वीडियो से करने वाला हूं। यह सीरीज़ आपके लिए बहुत रोचक रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, सैनिक विद्रोह को 1857 की क्रांति और गदर भी कहा जाता है। सैनिक विद्रोह तो यह सिर्फ अंग्रेज़ों का ही दिया हुआ नाम है, जबकि भारतीयों के लिए तो यह एक क्रांति ही थी। इस क्रांति के पीछे सामूहिक रूप से अनेक कारण रहे थे, लेकिन एक सैनिक मंगल पांडे ने उन्हें हवा दी थी, इसलिए इसे सैनिक क्रांति कहा गया था। अंग्रेज़ लोग व्यापारी से भारत के शासक बन बैठे थे और अपने फायदे के लिए उन्होंने तरह तरह के कानून बनाकर जनता पर थोप दिए थे। लॉर्ड डलहौजी ने राजाओं के राज्य हड़पने के लिए ऐसी नीतियां बनाई थी कि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य स्वतः ब्रिटिश शासन की झोली में आ गिरता था। उसने नरेशों को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया था। इस प्रकार उसने झांसी, नागपुर, सतारा, अवध, संभलपुर, जैतपुर आदि रियासतें हड़प ली थी। कई राजाओं के राजपाट छल बल पूर्वक हड़प लिए थे। उनकी पेंशनें बंद कर दी गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई थी। वे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी थी और स्थानीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने लगी थी। अंग्रेज़ अपनी नस्ल को श्रेष्ठ मानते थे। रेल यात्रा में भारतीय लोग प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते थे। उन्हें ऊँचे पदों से वंचित रखा जाता था। वे अंग्रेज़ों से बराबरी नहीं कर सकते थे। यूरोपियों द्वारा संचालित होटलों एवं क्लबों में भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध था। वहां द्वार पर ही लिखा होता था, भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। भारतीयों को न्याय भी नहीं मिल पाता था। अंग्रेज़ न्यायाधीश ज़्यादातर पक्षपात ही करते थे और अंग्रेज़ों के पक्ष में ही निर्णय देते थे। अंग्रेज़ सरकार ने समाज के सभी वर्गों पर बेतहाशा टैक्स थोप दिए थे, जिससे मजदूर, व्यापारी और किसान आदि सभी व्यथित थे। भारतीय लोग अपना जो सामान या कच्चा माल ब्रिटेन भेजते थे उस पर सरकार ज़्यादा टैक्स लेती थी, जबकि ब्रिटेन से भारत आने वाले माल पर इम्पोर्ट टैक्स बहुत कम लगता था। इस प्रकार भारतीय व्यापारी गरीब होते जा रहे थे और ब्रिटिश व्यापारी अमीर। अंग्रेज़ सरकार का पूरा ध्यान भारत की प्राकृतिक संपदा के दोहन पर था, खेती पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। इससे खेती चौपट होती जा रही थी। कहीं अकाल और कहीं बाढ़ आम प्राकृतिक कहर थे। छोटे किसान भुखमरी की कगार पर बैठे थे। भारतीय सैनिकों का वेतन अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा कम था और उनकी पदोन्नति में अनेक बाधाएं थी। उन्हें बर्मा तथा अफगानिस्तान युद्ध में भेजा जाता था, जहां वरिष्ठतम भारतीय सैनिक को भी अंग्रेज पद अधिकारी के अधीन कार्य करना पड़ता था। इन कारणों से भारतीय पैदल सेना में अत्यंत असंतोष था। इतनी समस्याओं के दौर में ही जनवरी 1857 के दिन एक सैनिक को पता चला कि अंग्रेज शीघ्र ही उन्हें ऐसे कारतूस देने वाले हैं जिनमें सुअर और गाय की चर्बी मिली होगी। यह खबर जंगल की आग की भांति शीघ्र ही बैरकपुर छावनी कलकत्ता तक पहुंच गई थी। वहां तैनात 19वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। बड़े अधिकारियों ने जैसे तैसे उस मामले को वहीं दबा दिया और 19वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद हुई घटना को वे नहीं दबा सके। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से न केवल मना कर दिया, बल्कि अपने सार्जेंट मेजर को गोली मार दी और बाकी सैनिकों को आह्वान किया कि वे अपने धर्म युद्ध की रक्षा करें। 34वीं रेजिमेंट आनन फानन में भंग कर दी गई और वारदात के 10 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की फांसी ने इस विद्रोह में घी का काम किया। 24 अप्रैल को मेरठ छावनी के कुछ और सैनिकों ने उन कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें अपमानित किया गया और 10-10 साल की सजा दी गई। धीरे धीरे विद्रोह सुलगता रहा और 10 मई 1857 को इसने उग्र रूप ले लिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने 10 मई को मेरठ से चलकर दूसरे ही दिन दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। उसके बाद क्रांति की ज्वाला अवध और रुहेलखंड में भी फैल गई। राजपुताने में स्थित नसीराबाद, ग्वालियर में नीमच, उत्तर प्रदेश में बरेली, लखनऊ, बनारस और कानपुर की छावनियों में सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुला विद्रोह किया।
बुंदेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी फौज को कड़ी शिकस्त दी। कानपुर के निकट बिट्ठूर में नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी सत्ता प्रारंभ में इस क्रांति से डामाडोल हो उठी, लेकिन धीरे धीरे सिखों, गोरखों तथा दक्षिण के सैनिकों की मदद से वह पुनः स्थापित हो गई। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया। कानपुर तथा लखनऊ के घेरे भी टूट गए। कैंपबेल ने अवध और रोहिलखंड का विद्रोह दबा दिया। बुंदेलखंड में झांसी की रानी जान की बाजी लगाकर लड़ी और शहीद हो गई। नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे को बंदी बनाकर फांसी दे दी गई। दिल्ली पर पुनः राज्य स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। नाना साहेब नेपाल की तराई की ओर भाग गए थे। इस प्रकार यह क्रांति विफल हो गई। 8 जुलाई 1858 को अंग्रेजों ने विद्रोह की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। यह लड़ाई ज़्यादातर दिल्ली, झांसी, मथुरा, मेरठ, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, कालपी, पटना, दानापुर, शाहबाद, जगदीशपुर, छोटा नागपुर और हरियाणा के कुछ भागों तक ही सीमित थी। इनमें भी इस विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब और अजीमुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तथा ग्वालियर में तांत्या टोपे रहे थे। इस दौरान बंगाल, मद्रास और बम्बई के इलाके शांत रहे। हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर और राजपुताना रियासतों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। यही नहीं, पंजाब, राजस्थान और दक्षिणी रियासतों के कई नरेशों ने तो आर्थिक और सैन्य रूप से अंग्रेजों को सहायता दी थी। कुल मिलाकर यह क्रांति असफल रही। इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं। इस विद्रोह का कोई एक प्रमाणित नेता नहीं था। विद्रोह पूर्ण नियोजित और सुसंगठित नहीं था। विद्रोह का रूप स्थानीय था। कई जगह तो इसकी खबर तक नहीं पहुंची थी। विभिन्न सेना नायक अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे थे। उनमें आपसी समन्वय का घोर अभाव था। अफवाहों का बाजार गर्म था। कई भारतीय रियासतें तटस्थ रहीं तो कई अंग्रेजों की पिछलग्गू थी। विद्रोह के कारण भी अस्पष्ट थे कि यह आज़ादी की लड़ाई थी या मात्र सैन्य विद्रोह। भारतीय सैनिक हालांकि अंग्रेज सैनिकों की तुलना में 7 गुना अधिक थे, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियारों का अभाव था, जो पराजय का सबसे बड़ा कारण बना। इस विद्रोह ने पहली बार अंग्रेजों को भयभीत भी किया। क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों पर अमानुषिक अत्याचार किए। इस घटना के बाद कंपनी का राज्य समाप्त हो गया और भारत का प्रशासन इंग्लैंड के महारानी के हाथों में आ गया। इस प्रकार राजतंत्र बदल गया, लेकिन नीतियों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इतना तो ज़रूर रहा, अंग्रेज़ों ने साम्राज्यवाद की नीति त्याग दी, बल्कि अब वे राजे रजवाड़ों को अपने पक्ष में लेकर चलने लगे थे। सैन्य गठन वे क्षेत्रीय व जातीय आधार पर करने लगे थे, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, असम राइफल्स इत्यादि, ताकि जातीय या धर्म के आधार पर सैनिकों को एकजुट होने का आधार न मिल सके। इस सैन्य विद्रोह या 1857 की क्रांति को अलग अलग लोग पृथक पृथक संबोधन देते हैं। कुछ तो इसे महज सैन्य विद्रोह मानते हैं, कुछ सागर में एक कंकर की हलचल जैसा, तो कुछ इसे विकृत मानसिकता की उपज कहते हैं। लेकिन इससे जुड़े हिंदू, मुसलमान, किसान, मजदूर, महाजन, साहूकार, विद्यार्थी, शिक्षक सभी ने इसे एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बनाया। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में कित्तूर विद्रोह के बारे में बात करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।